जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूथ गुरुकुल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस ऑफ 5th नवंबर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर डेली की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली दिनेश के पटनायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर स्पेन, ब्रुनेई, इटली या इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेन। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है मिस्टर दिनेश के पटनायक और ये जो है ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें जो है स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन द यूज ऑफ फॉरेन करेंसीज? एंड योर ऑप्शंस आर इथियोपिया, सूडान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने जो है विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अच्छा, अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान पर किसका शासन है? उस तो तालिबान का शासक है। तो जैसे कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो वो है काबुल। और यहाँ की जो करेंसी क्या है यहाँ की? तो वो है अफगान अफगानी। और यहाँ की PM जो तालिबान ने उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया है तो वो कौन है? हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद। ओके, अच्छा, अभी हाल ही में हमने कल ही एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान के जो पूर्व PM थे उनका नाम क्या बताया था मैंने? अहमद शाह अहमद जई। तो उनका जो है वो निधन हो गया था, हाल ही में उनका निधन हो गया। अच्छा, एक और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन होती है? तो वो सीमा होती है डुरंड सीमा। और इंडिया और पाकिस्तान के तो वो होती है रेड क्लिप। ओके, तो यहाँ से ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हाल ही में किसने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट द सेंसस ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन? एंड योर ऑप्शंस आर पंजाब, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। तो हाल ही में जो है पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना करने की घोषणा की है। ओके, अच्छा, पंजाब, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? वो है चंडीगढ़। यहाँ के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ICC T20 बैटिंग रैंकिंग्स? एंड योर ऑप्शंस आर बाबर आजम, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा। तो जो क्रिकेट प्रेमी उनको अभी हाल ही में आंसर पता चली गया इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो है बाबर आजम। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है ये शीर्ष पर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये रहे हैं शीर्ष पर। तो सेकेंड नंबर पर कौन है? तो वो है डेविड मिलन और थर्ड नंबर पर एरोन फिंच। ओके, चलिए चलते हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था पंजाब, अब पंजाब की मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पर एक 23वां जिला बना है पंजाब का, 23rd डिस्ट्रिक्ट, वो है मलारकोटला। कौन सी है? मलारकोटला। यहाँ की जो 23वीं डिस्ट्रिक्ट है ये बनी है मलारकोटला। ओके, तो इसको भी आप थोड़ा यहाँ से लिख दीजिएगा। और एक और यहाँ पर सुखजीत मेगा फूड बैंक जो है वो कपूरथला में ओपन हुआ है। कहाँ? कपूरथला में। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन रिसेंटली? एंड योर ऑप्शन सर भारत, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। तो अभी हाल ही में जो है भारत ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओके, और ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? रिसेंटली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा हैज ओवरसी द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? एंड योर ऑप्शन आर उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। तो हाल ही में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्होंने जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में कहाँ जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है रिसेंटली? वेयर 29 म्यूजियम्स हैव बीन इनॉग्रेटेड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल ऑफ द ट्राइब्स? एंड योर ऑप्शन आर तेलंगाना, मणिपुर, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। तो हाल ही में जो मणिपुर में है वहाँ जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। ओके, अच्छा, मणिपुर, मणिपुर के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पर एक त्यौहार जो बहुत फेमस मनाया जाता है, उसका नाम कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वो है लाई हरोवा त्यौहार। कौन सा है? लाई हरोवा त्यौहार। तो इसको जो है आप थोड़ा यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और एक और यहाँ पर एक झील है, कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील का नाम सुना होगा आपने, वो भी मणिपुर में ही है। और यहाँ पर किबुल लामजाओ और जो सिरोही नेशनल पार्क है वो भी जो है मणिपुर में ही है। और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है नोंगपोंग सेकमई, कौन सा है? नोंगपोंग सेकमई, ये भी जो है मणिपुर में ही है। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से याद रखनी है। क्या क्या बताइए मैंने? एक तो यहाँ का जो फेमस त्यौहार है लाइव हरोवा त्यौहार, यहाँ के एक लोकटक झील है, किबिल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन जिसका मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, नोंगपोक सेकमई, ये थोड़ा नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये जो है ये भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। ओके, और ये भी जो है ये मणिपुर में ही है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है? विच कंट्रीज ऑथर डेमन गलगुट हैज रिसेंटली वन द बुकर प्राइज? एंड योर ऑप्शन आर दक्षिण अफ्रीका, चीन, फ्रांस या इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है मिस्टर डेमन गलगुट, और हाल ही में जो है बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। ओके, अच्छा, बुकर पुरस्कार, तो ये जो है इन्होंने 2021 का बुकर प्राइज जीता है। अच्छा, ये जो बुकर प्राइज है ये इन्हें क्यों मिला है? तो जैसे कि बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन्होंने इनका जो एक फेमस नोवेल है इनका फेमस, वो है द प्रोमिस। कौन सा है? द प्रोमिस। तो इसी नोवेल के लिए जो है इन्हें ये बुकर प्राइज जो है 2021 का इसी वजह से मिला है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है रिसेंटली? इंडिया एंड विच कंट्री हैज लॉन्च इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सोलर पावर ग्रिड? एंड योर ऑप्शन आर भारत, सिंगापुर, यूके या चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूके। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन दोनों ने मिलकर जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है। ओके, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है रिसेंटली? संजय भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? एंड योर ऑप्शन आर फिलीपींस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। ये वो पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है मिस्टर संजय भट्टाचार्य, और हाल ही में इन्हें जो है स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, और ये जो है ये 1987 बैच के ये भी जो है IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रह चुके हैं, और हाल ही में इन्हें जो है भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में। ओके, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया था कल, वो थे दिनेश के पटनायक सर, और वो भी जो है वो IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रह चुके हैं। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए कानून लाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू ब्रिंग अ लॉ टू कलेक्ट डैमेजेस फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स? एंड योर ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, अगर जैसे कि कोई भी संगठन जो है रैली निकालता है या फिर कोई प्रदर्शन करता है, धरना देते हैं, तो अनशन पे बैठते हैं जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं, तो वो अगर कुछ अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उन प्रदर्शनकारियों ने से जो है हर्जाना वसूलने के लिए नए कानून लाने की घोषणा हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ओके, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं रिसेंटली? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? एंड योर ऑप्शन आर विवेक देवरॉय, पीयूष गर्ग, राजीव चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं।
ओके सो होप दैट यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन. एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.